इन्हू चलानी आंदी है गड्डी गड्डी चला कोई नहीं जल्दी मार पानी कोई मारा मत भाई कोई नहीं चल छोटे इंडी चाबी कट दे बंद कर चाबी चुबी जी कट देने गड्डी आल दी खिच ली अंकल जी वीडियो वाडियो बनाई है सारी मैं सारी बनाई है वीडियो वाडियो ते चाबी देना रुक जा तेनू नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के पुलिस थाना 13-17 सेक्टर से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं। मामला मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है और धुंध का दूसरा दिन और कल शाम को लगभग 9 बजे के तकरीबन परिवार वाले अपने बच्चे के पास फोन करते हैं कि अभी तक आया क्यों नहीं। ये पानीपत के भारत नगर जो कि कावड़ी रोड पर है वहां के रहने वाले हैं और इनका लड़का किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है एक कार के द्वारा। उस कार में दो व्यक्ति बैठे हुए होते हैं और बताया जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों ने खूब शराब पी रखी थी, रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे थे और बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पवन नाम का व्यक्ति है जो इस हादसे का शिकार हुआ उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। और अभी यहाँ पर पवन के परिजन यहाँ पर आए हुए हैं तो अभी सबसे पहले हम पवन के जो भाई है उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि उनके पिताजी अभी कहीं पर बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ बात हुई थी, कैसे पता चला था और क्या काम करता था पवन? करीब 8:30 के आसपास मैंने फोन किया था, भैया ये जी हमने अभी फोन कर लेते हैं घर अभी आया नहीं। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद पुलिस ने फ़ोन उठाया कोई उनका कर्मचारी था पुलिस का। तो फ़ोन करने के बाद वो कहने लगे भाई फ़ोन हमारे पास है ऐसे ऐसे आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया। हेलो, तो मैं मौके पर गया, उन्होंने कहा सिविल थाना पहुँच गया, मौके पर मैं गया तो उसके बाद नहीं कोई नहीं था। तो मैंने अपने साथ वार्ड में इधर उधर घूमा तो वहाँ साइड में मेरे को मेरा भाई नजर आया तो मैंने वहाँ मतलब पुलिस बॉडी रख के चली गई। हाँ वो 112 चली, हाँ जो भी था कि वो वहाँ पर मेरे कोई नहीं मिला। मैंने अपने हिसाब से देखा और मैंने पता किया तो उस टाइम वो कह रहे थे भी यहाँ। अच्छा आप ये बता रहे थे आपके पास वीडियो भी है, क्या वीडियो है बताएंगे? अठारह पैसा थोड़ा मेरे पास एक्सीडेंट की वीडियो दिखाओ। तो अभी जैसे ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि इस व्यक्ति के पास एक्सीडेंट की वीडियो है, अब ये वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे। इन्हें चलानी आंदी है गड्डी गड्डी चला कोई नहीं जल्दी मार पानी कोई मारा मत भाई कोई नहीं चल छोटे इंडी चाबी कट दे बंद कर चाबी चुबी जी कट देने गड्डी आल दी खिच ली अंकल जी वीडियो वाडियो बनाई है सारी मैं सारी बनाई है वीडियो वाडियो ते चाबी देना रुक जा तेनू दारू पीती है अंकल तू चला किधर है गड्डी चो बाहर उतर। अच्छा क्या कुछ है वीडियो में? वीडियो में आप वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिसको गाड़ी चला रहा था वो बहुत मतलब एजिड है। अच्छा गाड़ी चला था उसने भी ड्रिंक कर रखी है, उसने गाड़ी पीछे से टोकी है, पीछे से ठोका गाड़ी पीछे से ठोकी हुई है, गाड़ी आगे से निकल गई, लड़का हमारा सीधा जैसा जा रहा था और गाड़ी पीछे से एक्सीडेंट करी हुई है, गाड़ी कनेक्टर साइड से ठोकी हुई है और वहाँ पे मोड़ पे देखो तो आप जाके तो
10 से 15 फुट का एरिया वो जैसे घसीटता हुआ लेके गया दीवार तक, जैसे एक्सीडेंट हुआ है तो वो दीवार तक घसीटता हुआ लेके गया, तब क्या उसका बल वो वहाँ पर गाड़ी छोड़ के भाग गया, वो सब कह रहे हैं ना भाग गया, हमने वहाँ पर काउंटर पता करा, वहाँ पर दारू का ठेका भी आया और गाँव में किया, वो सब कहने कह रहे हैं कि वो लगता है वीडियो भी हमारे पास भागा नहीं है, भागा होगा तो गाड़ी छोड़ के वीडियो ही नहीं आती, वीडियो नहीं आती मेरे पास, अगर वो गाड़ी छोड़ के भाग गया तो मेरे पास वीडियो नहीं आती, तो मेरे को वीडियो तो वहाँ मौके पर मौजूद था वो बंदा हमारे भाई गए वहाँ पे अपने आप पहचाना उसको अपने आप सारी कार्रवाई करनी हमारे को, तो हम रात को दो बार आए यहाँ पे, हमारे को उन्होंने ये बताया कि हमने गाड़ी मंगवा ली है वहाँ से, हमने ट्रेन वहाँ पे बाइक भी मंगवा लिया, तुम्हारी रात को वहाँ पे हमारे कोई नहीं मिलेगा, जल्दी आओ, अब हम चोरे फिर द्वारा मौके पे गए हैं, अब हम यहाँ भी गए हैं, हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी कार्रवाई को सीरियसली ले, क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है? हमें तो पूरा चाहते हैं कि हमारे को विश्वास है, पुलिस कर रही है। अच्छा ये जो है ये पवन के पिताजी हैं जिन जिनके लड़का हादसे में शिकार हो गया, एक कार हादसा हुआ और बीती रात को, और हादसा इतना भयानक था, गाड़ी भी खड़ी है और बाइक भी खड़ी है। अच्छा ये कुछ आपके साथ वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई जो गांव के कुछ लोग थे उन्होंने उसको देखा, पीटा भी है, मैं जिस टाइम गया तो मैंने बेटे का जो देखा गाड़ी की लोकेशन देखी, मैं भी ड्राइवर हूँ तो गाड़ी का लोकेशन देखी मैंने, और जिस हिसाब से वो गाड़ी आ करके और बेटे को टक्कर मारी तो बेटा सही है और वो गाड़ी जो है वो गलत है, वो गाड़ी की टक्कर जो देख मारी है टक्कर, अगर मान लो टक्कर गाड़ी ने टक्कर मारी हो 20 से 25 फुट घसीट के ले गया है, उसने देख लिया भाई हाँ बाइक एक साइड में चली गई, अब उसने ये नहीं पता था कि भाई हाँ इसके नीचे भी कुछ है, जो हाँ उस गाड़ी का था वो कार के नीचे था वो घसीटा, लेकिन वो जो कार के नीचे आगे से निकाला था। आगे चद्दर थी, आगे कार के नीचे से निकाला था लड़ाई, आगे चद्दर थी और एक दीवार है, आप उसकी पोजीशन देखिए, आपको पोजीशन को पता लग जाएगा भाई हाँ ये कैसे हुआ है, अभी तक आरोपी वो गिरफ्तार नहीं हुए, आपने बोला नहीं हुए अभी तक, बोलना आपने क्या कह रहे हैं, इस तरफ आ जाओ फिर आप, वाले तो कर रहे हैं भी ठीक है, तो अब ये जांच का विषय होगा, क्योंकि एक तरफ ये परिजन ये बोल रहे हैं कि गांव वालों ने उस जो आरोपी है उसको पकड़ लिया था, पुलिस के हवाले कर दिया था, वीडियो भी ये जैसे कि अब आप लाइव स्क्रीन पर एक कार को आप लोग देख पा रहे हैं जिसका नंबर H406AK6834 है, और इस कार के द्वारा ही जो पवन नाम का व्यक्ति जिसकी कल रात हादसे में मृत्यु हो जाती है, यही कार थी जिससे उसकी बाइक टकराई थी, और इसमें जो परिजनों ने बताया है कि उस गाड़ी में एक ही व्यक्ति सवार था, दारू पिए हुए था, शराब पीकर वह तेज गति से और रॉन्ग साइड से कार चला रहा था, और परिवार का सबसे बड़ा आरोप यह है कि गांव वालों ने उस आरोपी को पकड़ लिया था, पीटा भी, उसकी वीडियो भी आ रही हैं, साथ के साथ पुलिस को भी सौंपा, लेकिन पुलिस इस पर क्या कुछ कहती है पुलिस से भी बातचीत जरूर करेंगे। 9:30 के करीब जब सूचना मिली थी पुलिस ने मौके पे जाके जो वहाँ पर एक गाड़ी मिली थी हमें वाइट रंग की स्विफ्ट डिजायर और मोटरसाइकिल वो दोनों हम थाने में ले आए थे, आरोपी हमें मौके पर नहीं मिला, और जब आरोपी पकड़ा जाएगा परिवार वालों को बुला के उनकी शिनाख्त करवा दी जाएगी और बिल्कुल उनको सेटिस्फाई करा के आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जो वीडियो में वही है आरोपी? नहीं, अभी मेरे को इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वीडियो भी नहीं देखी, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जो मृतक पवन है और उसके भाई की दरखास्त पर हमने इमिडिएटली FIR लॉन्च कर दी थी, और जो उनका आरोप है कि भाई आरोपी को छोड़ दिया गया है ये बिल्कुल सरासर गलत है, जब आरोपी गिरफ्तार होगा उनको बुला के शिनाख्त करा के जब आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। कितने बजे की घटना है, कहाँ पे हुआ था ये? फरीदपुर, ये टोल निकल के फरीदपुर के लिए रास्ता जाता है तो गांव फरीदपुर से जस्ट पहले हुआ था, ये लगा लो फरीदपुर की बाउंड्री पे ही एक्सीडेंट हुआ था स्विफ्ट गाड़ी का और ये मोटरसाइकिल थी सीडी डाउन इसका। मौके पर
हाँ मौके पर उसकी डेथ हो। सर परिजन ये कह रहे हैं कि गांव वालों ने उसको पकड़ लिया, सिर्फ ये बात सामने आ रही है कि पकड़ लिया गया था, फिर वो पता नहीं कहां नहीं। अगर गांव वालों ने पकड़ा हो सकता है वो गांव वालों से डर के हमारे भाग गया हो, लेकिन अगर पुलिस के पास होता तो सुनिश्चित उसकी गिरफ्तारी हो चुकी होती। उन्होंने जो बेसिक जानकारी जो दी है, जो 23 वर्षीय युवक पवन बताया, साथ के साथ वे कहीं इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट काम कर रहा था और कल शाम को जब वो काम करके वापस लौट रहा था तो गांव फरीदपुर के पास एक बहुत भयानक हादसा हो जाता है और इस कार के नीचे, जी हाँ इस कार के नीचे वह आ जाता है और बाइक एक तरफ हो जाती है, वह इस कार के नीचे आ जाता है और फिर भी काफ़ी दूर तक कार चलती रहती है और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब देर शाम घर नहीं लौटा तो उसके बड़े भाई ने, पवन के बड़े भाई ने जब फ़ोन किया तो किसी पुलिस कर्मचारी ने फ़ोन उठाया और बताया कि ऐसे ऐसे आपके भाई के साथ हादसा हो गया है और वे पूरे हो चुके हैं, आप एक बार पानीपत के सरकारी अस्पताल में आ जाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अभी हम जो 13-17 थाने के SHO हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप लोगों को सुनाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील और करना चाहूँगा कि ठंड का समय है, धुंध काफ़ी ज़्यादा हो रही है, सावधानी से चलें, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही घर से निकलें, अदरवाइज़ सुरक्षित रहें, सजग रहें।